अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, पूरी YT फैमिली, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, माजरत करता हूँ, माजरत चाहता हूँ कि 2 से 3 दिन लगभग हो गया मैं लाइव नहीं कर पाया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है, जुलूस वगैरह की तैयारी और हमारे यहाँ का रोल है 11 रबीउल अव्वल की रात को पूरी रात जाग कर इबादत की जाती है और नातें पढ़ी जाती हैं, तकरीरें होती हैं। दूसरे दिन सुबह जुलूस निकाला जाता है, तो जुलूस का वीडियो हमने अपने दूसरे चैनल ओरहान ऑफिशियल पे अपलोड कर दिया है। इंशाल्लाह 5 बजे वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं ये कहने आया हूँ कि आज से इंशाल्लाह मेरी लाइव होगी 9 बजे। अगर नेट साथ देगा तो 9 बजे होगी, और नेट साथ नहीं देगा तो 10 बजे होती थी, 10 बजे ही होगी। जिन भाई बहनों को जिस तरीके से टाइम हो उस तरीके से हमें टाइम दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल सरकार की पैदाइश की शान में 4 बंद समात फरमाएं। पढ़ें दरूद पाक, अल्लाहु रब्बो मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम, नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम। ऐ सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ऐ सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। और बहुत ही प्यारा बंद है, समाद फरमाएं। आका हम सब की जमानत लेंगे इंशाअल्लाह महशर के दिन। मुजरिम हूँ जमाने की महशर में भरम रखना, मुजरिम हूँ जमाने की महशर में भरम रखना, रुसवाए जमाना हूँ दोजख से बचा लेना, रुसवाए जमाना हूँ दोजख से बचा लेना। मुजरिम हूँ जमाने की महशर में भरम रखना, रुसवाए जमाना हूँ
दोजख से बचा लेना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। और मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, ये था चंद कलाम फैजान अशरफ नातिया एंड ब्लॉग की जानिब से। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यहीं से इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, वीडियो को फुल वॉच किया करें और दुआओं में याद रखें अपने भाई को।